अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिफरेंट 7 स्पून चॉकलेट मिल्की केक की रेसिपी, और इसको मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल क्रिएट किया है ताकि हर कोई इसको बना सके। दिस रेसिपी इज़ विदाउट ओवन, विदाउट बटर एंड विदाउट मेजरिंग कप। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केक तैयार करने के लिए आपको चाहिए 2 eggs। eggs जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर थे। इसके अलावा जैसा कि इसमें आपको मेजरिंग कप्स की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पर तमाम मेजरमेंट्स ये जो रेगुलर चावल खाने का स्पून होता है उसी से की जाएंगी। तो यहाँ पर ऐड किया है 7 टेबलस्पून चीनी, 1/2 टीस्पून ऐड करना है वनीला शुगर, या फिर अगर आपके पास ये नहीं तो आप 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस इस्तेमाल करें, और फिर 1 से 2 मिनट मीडियम हाई स्पीड पर बीट करें, या फिर इतना कि इसकी क्वांटिटी तकरीबन डबल हो जाए और ये कलर में पेल हो जाए, जस्ट लाइक दिस। फिर सेम स्पून को यूज़ करते हुए 7 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दें और 7 टेबलस्पून ही मिल्क ऐड कर दें, और 30 सेकेंड के लिए इसको मीडियम स्पीड पर बीट कर लें। इसके बाद जाएंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो 4 टेबलस्पून मैदा और 3 टेबलस्पून जाएगा कोको पाउडर, और कोको पाउडर का मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत भर के नहीं लिया। फिर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 2 चुटकी नमक डालकर इसको आपने इतना बीट करना है कि मिक्सचर बिल्कुल कंबाइन हो जाए, और बीटर की स्पीड अगेन मीडियम। केक का बैटर यहाँ पर तैयार हो चुका है, बस अब इसको पैन में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे लिया है 8x8 इंच का मैंने चकोर पैन, आप राउंड भी ले सकते हैं या जिस भी शेप में आपके पास घर में मौजूद है, और फिर ग्रीस करें पैन को, बैटर डालें और थोड़ा सा टैप करें, और फिर आपने इसको बेक करना है मीडियम हीट पर 30 से 40 मिनट के लिए आपने इसको बेक करना है, और बेकिंग ओवन के लिए आपने इसको 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 15 से 20 मिनट के लिए बेक करना है। तो यहाँ पर तकरीबन आप कह लें 35 टू 40 मिनट्स लगे, और परफेक्टली केक जो है वो बेक होके रेडी है। अब इसको ठंडा करना है। मीनवाइल हम इसका चॉकलेट सिरप तैयार करेंगे। तो उसके लिए आपको चाहिए 1/2 कप दूध, 1 टीस्पून कोको पाउडर और 3 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर। अब ये कि परफेक्शन के लिए मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, आप अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं तो इसको मैनुअल ही विस्क से अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अब ये कि केक भी यहाँ पर तकरीबन ठंडा हो चुका है, आपने टूथपिक लेकर इस तरह से छोटे छोटे होल्स कर लेने हैं ताकि जो सिरप हमने तैयार किया है वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो सके। वैसे तो ये केक बेइंतहा सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी आपने ये प्रोसेस करना है, और फिर ये जो चॉकलेट सिरप है ये पूरा आपने केक के ऊपर इस तरह से डाल देना है। 5 से 10 मिनट आप इसको दें ताकि ये अच्छी तरह पूरे केक में एब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चॉकलेट सिरप है वो परफेक्टली सोक हो चुका है। अब इसकी एक फ्रॉस्टिंग तैयार करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे लिया है 1 कप हैवी व्हिपिंग क्रीम जो कि ठंडी थी, 4 टेबलस्पून ऐड करनी है आइसिंग शुगर और 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, या जैसे कि मैंने ऐड किया है वनीला शुगर, और 1 मिनट आपने इसको हाई स्पीड पर बीट करना है। फिर 1 टीस्पून ऐड कर दें कोको पाउडर, ये इसको हल्का सा एक फ्लेवर और कलर देने के लिए मैंने ऐड किया है, सो कम ही ऐड करना है। तो बस आपने इसको इतना बीट करना है कि इसके स्टिफ पीक्स बन जाए, थिक हो जाए, लेकिन मेरे बहुत से फॉलोअर्स जानते हैं कि मैं अब लास्ट स्टेप में हैंड विस्क यूज़ करती हूँ ताकि इसके बीटिंग के प्रोसेस को मैं कंट्रोल कर सकूँ, और बस फिर आपने पूरी व्हिप्ड क्रीम केक के ऊपर इस तरह से लगा देनी है। तो बस पैलेट नाइफ से काफ़ी आसानी हो जाती है, इससे जितना हो सके सफाई से इवनली आप इस फ्रॉस्टिंग को लगा दें,
और फिर फ्रिज में 15-20 मिनट इसको सेट होने के लिए रख दें। अब चाहें तो आप केक को यहीं स्टॉप कर दें, लेकिन मैं इसमें एक और लेयर ऐड करूंगी विच इज़ चॉकलेट गनाश। तो उसके लिए यहाँ पे 1/3 ली है व्हिपिंग क्रीम, उसको मैंने माइक्रोवेव में किया था गरम, बॉयल नहीं करना सिर्फ गरम। और फिर ऐड कर दें 1/2 कप चॉकलेट चिप्स, सेमी स्वीट चॉकलेट है ये, और थोड़ी देर छोड़ दें लाइक 5 मिनट, फिर इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। सो चॉकलेट गनाश जो है वो तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं तो आप चूल्हे पर एक पैन में पानी रखें, ऊपर जो है वो हीट प्रूफ बोल रख के उसमें विप क्रीम डालें, जब वो थोड़ी गर्म हो जाए चॉकलेट डालें। सो दिस इज़ कॉल्ड डबल बॉयलर मेथड। तो इससे भी आप गनाश तैयार कर सकते हैं। थोड़ी ठंडी होने दें, बहुत गर्म नहीं, और फिर जब थोड़ी ठंडी हो जाए गनाश तो इस तरह से फाइनल लेयर आप इसकी पूरी लगा दें। 3 से 4 घंटा अब मैं इसको फ्रिज में रखूंगी, सेट हो जाएगा फिर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये जितना ठंडा होता है उतना ही ये डिज़र्ट अच्छा लगता है। सो यहाँ पर तकरीबन आप कह लें 3 घंटा मैंने इसको रखा हुआ था फ्रिज में, ये बहुत अच्छा सेट भी हो चुका है और ठंडा भी है काफ़ी। सो बस अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी और आप लोग बस इसको देखें और इन्जॉय करें। आई विश कि मैं आप सबके साथ शेयर कर सकती, बट एटलीस्ट मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकी। सो होपफुली आप लोग इसको पसंद करेंगे। तो ये थी आज की रेसिपी 7 स्पून चॉकलेट मिल्की केक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी और ट्राई करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ तो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।